बच्चा होने के बाद में चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, क्या पेट को बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? हर महिला ये जानना चाहती है कि डिलीवरी या सिजेरियन के बाद अगर वो पेट बांधेगी तो क्या वो जल्दी अपनी बैक टू नॉर्मल शेप में आ जाएगी, क्या वह जल्दी पतली हो जाएगी, अगर बांधना है तो बांधने का क्या सही तरीका है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपको पेट बांधना है डिलीवरी या सिजेरियन के बाद में या नहीं बांधना है, अगर बांधना है तो बांधने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और अगर बांधना है तो कितने घंटे के लिए आपको बांधना है, किस पोजीशन पे उसे बांधना है, और डिलीवरी या सिजेरियन के कितने दिन बाद आप बांध सकती हैं। तो इन सभी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के द्वारा। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि पेट बांधना है या नहीं बांधना है। देखिए, ये बरसों से प्रचलन है कि बच्चा होने के बाद में पेट बांधा जाता है, जिसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। कुछ लोग कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं, चुन्नी यूज़ करते हैं, साड़ी यूज़ करते हैं, कुछ लोग एब्डोमिनल बेल्ट्स का प्रयोग करते हैं, कॉर्सेट नाम की चीज़ यूज़ की जाती है इसके लिए। तो ये जो अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्यों ये यूज़ की जाती हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका जो पेट है वो जल्दी अंदर चला जाएगा, वो दबेगा और वो पेट थोड़ा जल्दी अंदर चला जाएगा और महिला बैक टू नॉर्मल शेप में आ जाएगी। हर महिला चाहती है कि वह जल्दी से, जैसे डिलीवरी से पहले जिस साइज़ और शेप की थी, वापस वैसी हो जाए। कोई भी नहीं चाहता कि उसका वज़न ज़्यादा की साइड में रहे। तो मैक्सिमम महिलाओं की यही चाहत होती है कि वो अपने बैक टू नॉर्मल शेप में जल्दी से जल्दी वापस चली जाए। यही मानते हुए वो लोग ये एब्डोमिनल बेल्ट्स या फिर पेट बांधने का काम कर रही होती हैं। कुछ ये भी है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा करने से आपको थोड़ा सपोर्ट रहता है, थोड़ा बैक को रिलैक्सेशन रहता है, थोड़ा पेट को, यूट्रस को भी सपोर्ट रहता है। इस कारण से भी बहुत से लोग ये पेट बांधने का काम कर रहे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम कब से ये पेट बांधने का काम शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक मटेरियल का बात है, तो आप डेफिनेटली कॉटन के क्लोथ्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई पुरानी साड़ी है या एब्डोमिनल बेल्ट है, डेफिनेटली उसका यूज़ कर सकते हैं। कॉर्सेट्स को हम बहुत रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि कॉर्सेट बहुत टाइट होता है और उससे फ़ायदा होने की जगह नुकसान अधिक हो सकता है। तो कॉर्सेट्स हम स्पेसिफिकली अलाउ नहीं करते। एब्डोमिनल बेल्ट्स या फिर आप कॉटन के क्लोथ का प्रयोग कर सकते हैं पेट बांधने के लिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप पेट बांधने का काम डिलीवरी होने के एक या दो दिन बाद से ही शुरू कर सकती हैं। परंतु अगर आपका सिजेरियन है तो आपको कम से कम, जब तक उसका आपका जो ड्रेसिंग वगैरह है वो पूरा नहीं हो गया है, आपका जो घाव है वो बाहर से पूरा भर नहीं गया है, तब तक आपको ये पेट बांधने का काम नहीं करना है, जो कि यूजुअली 8 से 10 दिन लगते हैं। 8 से 10 दिन में यूजुअली ये आपका जो घाव भरने वाला काम है, जो आपका सिजेरियन वाला कट है, वो यूजुअली हील हो जाता है। तो 8 से 10 दिन के बाद में आप ये एब्डोमिनल बाइंडर या पेट बांधने का काम कर सकती हैं, अगर आपकी एक नॉर्मल वुंड हीलिंग है, यानी कि आपका सही से वुंड हील हो गया है। तो बाकी अगर आपका सिजेरियन है तो आप अपने गायनेक से कंसल्ट कर सकती हैं कि कब से आपको एग्जैक्टली बांधना है। हम लोग 8 से 10 दिन में अगर आपका नॉर्मल हीलिंग है तो रिकमेंड करते हैं कि आप बांध सकते हैं अगर बांधना चाहें तो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि इसका कितना ड्यूरेशन हमें बांधना है। तो हम लोग ये नहीं रिकमेंड करते कि आप पूरे 24 के 24 घंटे इसका प्रयोग कीजिए, जी नहीं, इतना नहीं। कुछ घंटों में आप 4 से 6 घंटे यूजुअली, स्पेसिफिकली जब आप बैठी हुई हैं या आपके मूवमेंट्स ज़्यादा हैं, उस टाइम पर इसका प्रयोग कीजिए। सारे दिन भर, सारा दिन और रात इसे यूज़ करना हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसकी सही पोजीशन क्या है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने लगभग लोअर एब्डोमेन को आपको पूरा कवर करना रहता है। लेकिन अगर आपका सिजेरियन है तो जहां आपका कट है, जहां आपका जो वुंड है, जो ड्रेसिंग है, उससे आपको इसे ऊपर बांधना है। उसके ऊपर इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उसके ऊपर आप रखेंगे तो आपका जो वुंड की हीलिंग है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपका सिजेरियन है तो आपका जो, जहाँ सिजेरियन वाली जहाँ ड्रेसिंग की जगह है, उससे थोड़ा ऊपर की साइड में इसे रखिए। कितना टाइट बांधना है, कितना लूज बांधना है? तो देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट होने से क्या होता है, इसका यूट्रस पे इस तरह से प्रेशर आता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है, जी हाँ, डिलीवरी या सिजेरियन के बाद ब्लीडिंग होती है, जो कि बढ़ सकती है अगर आपने इसको एक्सेसिवली टाइट बांध लिया है। और बहुत ज़्यादा लूज बांधेंगी तो ऑब्वियसली वो किसी काम का ही नहीं है। तो इसको आपको मॉडरेटली टाइट बांधना है, ना बहुत टाइट बांधना है, ना ही बहुत ये लूज होना चाहिए। आपके कंफर्ट जोन में होना चाहिए, मॉडरेट बंधा हुआ होना चाहिए, बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली क्या ये सच है कि ये बांधने से आप पतली हो जाने वाली हैं?
तो सॉरी टू से, पर जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको बांधने से आप जल्दी पतली हो जाएंगी। हम जो अलाउ करते हैं, क्योंकि पेशेंट हमसे पूछते हैं कि आप बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते, तो हाँ हम अलाउ कर देते हैं कि आप बांध सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फीमेल्स को सपोर्ट जैसा रहता है इसके साथ में। लेकिन अगर आप मुझसे साइंटिफिकली पूछें कि क्या ये बांधने से पेट जल्दी अंदर चला जाता है या आप जल्दी पतली हो जाती हैं, तो जी नहीं, यह एक गलत फहमी है कि इसको बांधने से आप जल्दी पतली हो जाने वाली हैं, बल्कि इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइट बांध लिया है तो ब्लीडिंग अधिक हो सकती है। दूसरा, अगर आपका सिजेरियन है तो बहुत बार क्या होता है, महिलाएं ज़्यादा पतले होने के चक्कर में इसको ज़्यादा लंबे समय तक बांधे रखती हैं, और कुछ लोगों में स्वेटिंग की बहुत टेंडेंसी होती है, जिसके कारण ये बांधने से क्या होता है, आपको काफ़ी पसीना आता है और वो पसीना आपके स्टिचेस के ऊपर ही आके टिक जाता है, यानी कि स्टिचेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेट से गीले हो जाते हैं। उसके कारण जो आपका वूंड है उसमें इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वह बढ़ जाता है। तो जी हाँ, अगर आपका सिजेरियन है तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि बहुत लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार स्वेट आपके वूंड पे इकट्ठा हो रहा है और उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सी बार ये बाइंडर्स, एब्डोमिनल बाइंडर्स वगैरह जो एब्डोमिनल बेल्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उसके कारण कुछ लोगों को जहाँ पे इसके एजेस होते हैं यानी कि जो एंड्स होते हैं वहाँ पे इरिटेशन होने लग जाता है, रैशेस होने लग जाते हैं। तो ये सबको सूट करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का कंपल्शन है कि आपको यूज़ करना ही करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गलतफहमी नहीं रखिए कि आप ये बांधेंगी तो आप जल्दी पतली हो जाएंगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपके एक सपोर्ट के लिए है। और अगर एक्चुअली आप चाहती हैं कि आपका जो टमी है वो बैक टू नॉर्मल शेप में आए, तो क्या चीज़ एक्चुअली काम करती है, एक्चुअली जो चीज़ काम करती है वो ये है कि जब आपका 1.5 से 2 महीना हो जाए उसके बाद आप एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। डिलीवरी या सिजेरियन होने के बाद में डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए, क्योंकि आपके मसल्स, अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो ही बनेंगे, नहीं तो जो टमी है वो बिल्कुल लैक्स हो जाएगी, बहुत ढीला पेट हो जाएगा, स्किन लटक जाएगी। तो डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। 1.5-2 महीना होने के बाद में आप एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइजेस चालू कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग, जी हाँ, बच्चे को दूध पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे जितना आप जितना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को कराएंगी यानी कि दूध पिलाएंगी, उतनी ही जल्दी आपकी ये टमी अंदर जाएगी। तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करने से एक्चुअली टमी अंदर जाती है, ना कि उसे टाइटली बांध लेने से। बांधना है हमारी तरफ से मनाही नहीं है, क्योंकि वो आपको एक मेंटल और बैक का सपोर्ट जैसा सा लगता है महिलाओं का, इसलिए महिलाएं उसे बांधना चाहती हैं, हमारी तरफ से मनाही नहीं है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखते हुए ही बांधिए, और टमी कम करनी है तो ब्रेस्ट फीड कराइए, एक्सरसाइज कीजिए और प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए। आई होप पेट बांधना है या नहीं बांधना है इसके बारे में आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।